1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया कमाना बहुत आसान है। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जो लोग ये बोलते हैं कि सर ये मैं नेटवर्क बनाने वाला काम नहीं करूँगा, मैं ये जोड़ने वाला काम नहीं करूँगा। अच्छा एक बात आप लोग मुझे ये बताइए कि इस काम से इतनी एलर्जी क्यों है, क्यों लोग इस काम को बताते में शर्माते हैं, क्यों इस काम से लोग दूर दूर भागते हैं, क्यों नेटवर्क बनाने वाले काम को लोग गंदा समझते हैं, क्यों जोड़ने वाले काम को लोग बुरा समझते हैं, आखिर रीज़न क्या, वजह क्या है, नेटवर्क बनाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या और नेटवर्क बनाने से फ़ायदे क्या हैं। मुझे एक बात आप लोग बताइए कि नेटवर्क बनाने से नुकसान क्या है, जोड़ने वाले काम से नुकसान क्या है, इससे एलर्जी क्या है। आज दुनिया में जो भी लोग अमीर हैं, आप किसी की भी आप हिस्ट्री उठा लीजिए, किसी की भी कहानी मुझे बता दीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास में किसी न किसी रूप से उसके पास में आज नेटवर्क है, तभी वो बड़ा पैसा कमा रहा है। सीधी सीधी देहाती भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे एक मजदूर और एक ठेकेदार, मजदूर कितना पैसा कमाता है और ठेकेदार कितना पैसा कमाता है, इससे आसान तरीके मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। अगर कोई इंसान ठेकेदार है, उसके अंडर में, उसके नेटवर्क में, उसके नीचे अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो अगर वो 300-300 रुपये कमा रहे हैं, 400-400 रुपये कमा रहे हैं, तो ठेकेदार को कितना पैसा वो कमा के दे रहे हैं, यानी कि 8 घंटे वो अपने लिए काम कर रहे हैं, 8 घंटे अपने ठेकेदार के लिए यानी कि अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं। तो आज उसके पास में क्या है, उसके पास में आज नेटवर्क है, उसके पास में लोग है और वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अब आते हैं बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन सब के पास में क्या है, अपना एक नेटवर्क है और वो नेटवर्क से पैसा कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। तो ये नेटवर्क बनाने से इतनी एलर्जी क्यों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जिसको सबसे ज़्यादा एलर्जी है, जिसको सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनाने से नफरत है, वो भी कहीं नहीं कहीं ना कहीं किसी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, या उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क ही है। आज हम क्या है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, यार रिश्तेदार, दोस्त, आज क्या है, हम उनके नेटवर्क में हैं। अगर हम किसी दुकानदार से प्रोडक्ट खरीद के लेकर आ रहे हैं, टूथपेस्ट खरीद के लेकर आ रहे हैं, चाय खरीद के लेकर आ रहे हैं, चीनी खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो हम उसके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, उस दुकानदार से जुड़े हुए हैं। और जिसको एलर्जी है, जिसको परहेज है, जिसको लगता है कि मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, अगर उसके मोबाइल पर कोई SMS भेज दे और बोल दे कि आप इसको 10 ग्रुप में शेयर करें और आपको 500 रुपये का बोनस मिलेगा, तो पूरा दिन WhatsApp पे लगा रहेगा शेयर करने में, चाहे उसको 54 ना मिले, तब तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि 500 रुपये का बोनस मिलेगा, 500 रुपये का रिचार्ज फ्री मिलेगा, तो धड़ाधड़ पूरा रात लगा रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने में, उसको भेजेगा भाई मेरे लिंक से इसको मान लीजिए कनेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, तब तो उसको नेटवर्क बनाना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर अगर कोई बोलता कि भाई तुझको नेटवर्क बना के, टीम बना के काम करना, तो उसकी हवा निकल जाती है। अच्छा मुझे एक बात और बता दीजिएगा आप लोग, क्या नेटवर्कर लोग पैसा नहीं कमाते हैं, कमाते हैं ना। आज आप लोग जाके देखें उन लोगों से मिले जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिनके पास में नेटवर्क है, वो भी आज लोग सक्सेस है, पैसा कमा रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कोई राम है और एक बजाज है, राम मजदूर है और बजाज ठेकेदार है, तो 8 घंटे अगर राम काम कर रहा है, 8 घंटे में अगर उसको 10,000 मिल रहे हैं, तो वो ठेकेदार को कितना काम करके दे रहा होगा। अब दुनिया भर को छोड़ो, अगर हम अपने ही घर पर किसी से मजदूरी कराते हैं, उसको 300 रुपये अगर मजदूरी देते हैं, तो 600 रुपये का काम लेते हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर हुआ कि अगर हम मान लीजिए राम को 10,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो 10,000 अपने लिए कमा के रख रहे हैं, एक मजदूर से हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं,
10,000 वो अपने लिए कमा रहा है, 10,000 हमारे लिए काम कर रहा है, 8 घंटे अपने लिए काम कर रहा है, 8 घंटे हमारे लिए काम करके दे रहा है, यानी कि वो काम कर रहा है अपने लिए और मेरे लिए, और मैं क्या है, एक बजाज बन चुका हूं, मैं एक ठेकेदार बन चुका हूं। तो मान लीजिए एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकता है, अगर कोई राम नाम का लड़का है जो 10,000 कमा रहा है, उसको 20,000 कमाने हैं तो 16 घंटे काम करेगा, क्योंकि 8 घंटे के 10,000 मिल रहे हैं, 20,000 चाहिए तो 16 घंटे काम करेगा, और उससे ज्यादा चाहिए तो घंटे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि भाई घंटे बेच के ही तो वो इनकम कर रहा है। अब कोई भी इंसान 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता, और वहीं पर हम देखते हैं कि अगर बजाज को अपनी इनकम बढ़ानी है तो वो घंटे तो बढ़ाएगा नहीं, जहां 100 मजदूरों से काम करा रहा 200 से करा लेगा, 200 से करा रहा 300 से करा लेगा, वो अपने घंटे नहीं बढ़ाएगा, मजदूर बढ़ा देगा। तो यही नेटवर्क तो होता है कि कोई भी इंसान अगर बड़ा पैसा कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, तो वो ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाता है। तो आज जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना बड़ा पैसा कमा रहा है। अब मान लीजिए ये इस चीज का एग्जांपल हजारों लोगों ने दिया होगा और ये आपको भी अच्छे से पता होगा, मैं एक बार इसका और रिवाइज करा देता हूँ कि आपने जियो को देखा होगा, जियो ने शुरू में क्या किया, सबको फ्री में बांटा, अनलिमिटेड डाटा दिया, फ्री में सबको सिम बांटा, फ्री में दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी लत लगा दी। उसने क्या करा, पहले खूब दबा के अपना नेटवर्क फैला लिया, फिर उसकी मेंबरशिप ली कि भाई 99 रुपये का रिचार्ज कराए, मेंबरशिप मिल रही है धीरे 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 धीरे, आज ये कि मान लीजिए 699 रुपये का रिचार्ज हो रहा, 799 रुपये का रिचार्ज हो रहा, अब वो पैसा कमा रहा। पहले उसने नेटवर्क फैला दिया, अब वो सबसे पैसा कमा रहा। मान लीजिए अगर किसी के पास में 10,000 लोगों का नेटवर्क है, अगर वो 10,000 लोगों से एक एक रुपया भी कमा रहा है एक दिन का, तो 10,000 रुपये हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपये कमाना मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से एक एक रुपया कमाना बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि अगर नेटवर्क उसके पास में है तो एक एक रुपया कमाना बहुत आसान है, तो 1 करोड़ लोगों से एक एक रुपया कमा लेगा तो बहुत आसान है, लेकिन 1 करोड़ रुपये अगर वो कमाए अकेला इंसान तो बहुत ही मुश्किल है, कमा ही नहीं सकता है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से 1 रुपया कमाना बहुत आसान है। तो दोस्तों इसलिए हमें और आपको सबको नेटवर्क बनाना बहुत ही जरूरी है अपनी जिंदगी में, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बनाओ, चाहे इसको छोड़ के अदर जगह नेटवर्क बनाओ, तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। जो राजी राजी ना गैर राजी, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क नहीं बना रहे तो कहीं बाहर नेटवर्क बना रहे होंगे। तो नेटवर्क बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर जिंदगी में मरने के बाद भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बार नेटवर्क बना के मर जाइए, मरने के बाद भी पैसा आता ही रहेगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है, आपके नीचे डाउन में जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे और आपको पैसा देते रहेंगे। तो दोस्तों इसलिए नेटवर्क बनाने से निगेटिव मत होइएगा, नेटवर्क बनाइए, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। दोस्तों कैसी लगी बात है? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।